Hi, welcome to lecture 5 on bricks, beads and bones in the series of the Harappan civilization. This is a part of class 12th NCERT. Today we discuss the fourth module. We have completed the beginning and the introduction that was about the seal and the difference between the culture and civilization and different settlements and the changes from the early Harappan sites, early Harappan civilization to the mature Harappan civilization. We have discussed the subsistence of strategies, and also we have completed the agriculture and the agricultural evidences that we have found. And then humne ye bhi pad liya hai Mohenjo-daro planned urban center. We have discussed how the citadel and the lower town, they were different and for what purposes they were used. We have also talked about the plight of Harappa, how our Alexander Cunningham discovered or identified that how many bricks were stolen, kitna sara brick ka chori ho gaya tha us waqt mein, kyu hua tha. हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं, सीटाडेल के बारे में बात कर चुके हैं, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में भी बात कर चुके हैं. एंड इन द जस्ट प्रीवियस वीडियो इन द लेक्चर 4 वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ द हाउस प्लानिंग वाज वेरी सीरियसली एंड वेरी टैक्टफुली कंप्लीटेड बाय दैट टाइम बाय दैट इंजीनियर्स हु लिव्ड इन आईबीसी इन द वैली सिविलाइजेशन, राइट. और सिटाडेल के बारे में भी बात कर चुके हैं हम. आज हम बात करेंगे ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस. उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप हिस्ट्री के बारे में. और आगे भी हम सारी जो यूपीएससी और सीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री आपको ज़रूरत है, राइट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ. आज हम डिफरेंस को ट्रेस करेंगे, डिफरेंस को ट्रैक करेंगे, जो हमारा सोशल डिफरेंसेस थे उस वक्त, राइट. तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि ये डिफरेंस जो क्रिएट हुआ था उसका पहला रीजन तो ये था कि अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन से जब मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन स्प्रेड होने लगा उस वक्त ये डिस्टेंस, दैट वाज अ मेजर रीजन फॉर द डिफरेंसेस. पहला जो हमारा डिफरेंस है वो है द प्रैक्टिस ऑफ ब्यूरियल्स. कैसे इंसानों को आफ्टर डेथ ब्यूरी किया जाता था. एंड टू सम एक्सटेंट वी फाइंड द सिमिलरिटी विथ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, राइट. व्हाई वी विल डिस्कस हियर. लेट अस रीड व्हाट इज रिटन इन योर बुक. आर्कियोलॉजिस्ट्स generally use certain strategies to find out whether there were social or economical differences. तो पहली बात तो ये हमें जानना है कि शायद उस वक्त क्या कोई difference, कुछ आपका distinction था आपका living style के ऊपर और आपका social practices के ऊपर, economical डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उस वक्त, राइट. दिस इंक्लूड स्टडिंग ब्यूरियल्स. नाउ इसके अंदर ही आता है जो सोशल प्रैक्टिसेस है, इसके अंदर ही आता है द स्टडी ऑफ द ब्यूरियल्स. ये ब्यूरियल क्या होता है? आफ्टर डेथ सम कल्चर्स प्रैक्टिस ब्यूरियल्स. ब्यूरियल्स का मतलब जो हमारा बॉडी होता है उसको जमीन के अंदर दफना दिया जाता है. दिस वॉज द प्रैक्टिस ऑफ ब्यूरियल. आज भी ये ब्यूरियल प्रैक्टिस कुछ कम्युनिटी के द्वारा कंटिन्यू किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द मुस्लिम कम्युनिटी, द इस्लामिक पीपल, दे ऑल्सो प्रैक्टिस दिस ब्यूरियल ट्रेडिशन, राइट. यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विथ द मैसिव पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट. अगर हमें देखना है कि पहले, मतलब आज तो ये प्रैक्टिस होता ही है, लेकिन पहले हिस्टोरिकली क्या ऐसा और कोई इविडेंस है जो हमें कहता है कि ब्यूरियल एट दैट टाइम इन हिस्ट्री वॉज प्रैक्टिस? यस. So in Egypt, if we go, the huge pyramids, they are the major evidences of burials. मतलब जो Egyptian आपका उस वक्त civilization था, Egyptian civilization के लोग practice करते थे burial, and that was a significant, right, example of the same.
some of which were contemporaries. See, contemporaneous with the Harappan civilization. मतलब कुछ तो उस टाइम में कंटेम्पोररी प्रैक्टिस था, इजिप्शियन जो प्रैक्टिस है, राइट. मेनी ऑफ दिस पिरामिड्स वर रॉयल ब्यूरियल्स. लेकिन ये जो इजिप्ट में ब्यूरियल आपको मिलता है, ये रॉयल ब्यूरियल है, मतलब कॉमनर्स का ब्यूरियल नहीं है, राइट. वेयर एनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ वॉज ब्यूरीड. ये जो इजिप्ट में आपको पिरामिड्स मिलेगा, इसके अंदर आपको बहुत सारा एनॉर्मस क्वांटिटी में आपको वेल्थ, मतलब द रिचेस और डेथ बॉडी के साथ ब्यूरीड मिलेगा. मतलब क्या होता था उस वक्त, जब कोई किंग और द रॉयल मेंबर्स, वन ऑफ देम और सम ऑफ देम डाइड, राइट. सो दे बिलीव्ड इन द आफ्टर लाइफ मीथ एंड व्हाट दे प्रैक्टिस, दे गेव ऑल द वेल्थ और द नेसेसरी थिंग्स ब्यूरीड विथ दैट पर्टिकुलर डेड बॉडी. सो अगर कोई मर जाता था, उसके साथ उसका जो कुछ भी चीज रहता था, उन लोगों को उस चीजों को भी ब्यूरी कर दिया जाता था उस वक्त. एट ब्यूरियल्स इन हरप्पान साइट, लेकिन ये हरप्पा में जब ये ब्यूरियल प्रैक्टिस किया जाता था, द डेड वेयर जनरली लेड इन पीट्स. इन लोगों को पीट्स में दफनाया जाता था, इनके ऊपर कोई पिरामिड नहीं बनाया जाता था, राइट. समटाइम्स देयर वेयर डिफरेंसेस इन द वे दैट द ब्यूरियल पीट्स वेयर मेड. मतलब जो ब्यूरियल पीट्स बनाया जाता था, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था. तो ये जो हम इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन में हमें कहा गया कि जो इजिप्ट में प्रैक्टिस किया जाता था कुछ कंटेम्पोररी टाइम में, राइट, वो था पिरामिड जो रॉयल पीपल के लिए था. लेकिन हड़प्पान जो हमारा प्रैक्टिस है ब्यूरियल, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस हमें देखने को नहीं मिल रहा है. कहीं कहीं क्या हो रहा है, देखिए आप पढ़िए, आगे पढ़िए. ये जो पीट, मतलब जो आपका गड्ढा खोड़ा जाता था, इस गड्ढे में कुछ डिफरेंस हमें मिलता है. इन सम इंस्टांसेस द हॉलोड आउट स्पेस वेयर लाइंड विद ब्रिक्स. कहीं कहीं ये ब्यूरी करने से पहले इसको ब्रिक्स से बनाया जाता था. मतलब ये जो आपका गड्ढा है, इसको ब्रिक्स से पहले प्रिपेयर किया जाता था, राइट. तो ये जो प्रैक्टिस है, ये हर जगह नहीं होता था, कहीं कहीं होता था, राइट. कुड दीज वेरिएशंस बी एन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस. नाउ एनसीईआरटी इज आस्किंग यू, जो ये डिफरेंस है, मतलब कहीं कहीं ये जो गड्ढा है, इसको ब्रिक्स से प्रिपेयर किया जा रहा है, तो ये क्या एक डिफरेंस का इंस्टांस है या नहीं है? वी आर नॉट श्योर. नाउ एनसीईआरटी इज ऑल्सो आंसरिंग द क्वेश्चन, राइट. वी आर नॉट श्योर. सो हमें ये पूरा पता नहीं है. तो मैं तो पहले भी ये एज्यूम कर चुका हूं और आपके लिए बता भी चुका हूं कि शायद उस वक्त इन सोसाइटी देयर वेयर अ नंबर ऑफ क्लासेस पर्टिकुलरली, बिकॉज इफ यू नोटिस देयर मस्ट हैव सम काइंड ऑफ लेबरर और वर्किंग क्लास पीपल हु वुड प्रिपेयर, हु वुड मेक और वर्क टू मेक द हाउसेस, राइट. जो ये हाउस को बनाएंगे, कुछ तो प्रोड्यूसर जरूर होंगे जो ये ब्रिक्स और द नेसेसरी थिंग्स फॉर द सिविलाइजेशन उसको प्रोड्यूस करेंगे. और कुछ कम्युनिटी तो ऐसा होगा जो एडमिनिस्टर करेगा, कुछ कम्युनिटी तो ऐसा भी होगा जो आपको ट्रेड दिखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये जो हरप्पान सिविलाइजेशन है, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इतना सारा जो आपका साइट्स है, आपका सेटलमेंट्स है, इन लोगों के साथ दूर दूर तक बिजनेस होता था. मेसोपोटेमिया के साथ, इजिप्ट के साथ कैसे होता था, राइट. बुलॉक कार्ट्स का हम एग्जाम्पल हमको मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि एक ट्रेडिंग कम्युनिटी एट दैट टाइम वॉज देयर. एंड वी कैन ऑल्सो एज्यूम, एज वी हैव जस्ट रेड बिफोर हैंड, दैट इन दैट टाइम प्रोबली देयर वॉज फार्मर्स, बिकॉज वी कैन फाइंड दैट द प्लाउइंग फील्ड, द टेराकोटा मॉडल, राइट. ऑल दीज आर डिस्कवर्ड, राइट. द टेराकोटा मॉडल डिस्कवर्ड इन चोलिस्तान में बनवाली. रिमेंबर वंस एंड फॉर मल्टीपल टाइम्स आई एम रिपीटिंग द सेम इन्फॉर्मेशन. बार बार एक ही इन्फॉर्मेशन को दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपको ये रट जाए. सो टेराकोटा मॉडल कहाँ मिला है? टेराकोटा मॉडल मिला है चोलिस्तान बनवाली. अब यूपीएससी क्या सीएससी में आ भी जाए ना क्वेश्चन में कि कहाँ, वेयर द टेराकोटा मॉडल वॉज
डिस्कवर्ड, तो यू हैव टू आंसर दैट 44 साल में बनवा ली, कहां पर हमें प्लाउड फील्ड का इंस्टांस मिलता है, तो आपको आंसर देना है कालीबांगान, राइट। और अगर आपको पूछा जाए कि कहां कैनाल मिला है, कैनाल द स्ट्रेस ट्रेस ऑफ कैनाल, यू हैव टू से दैट द ट्रेस ऑफ कैनाल वॉज फाउंड इन सोतुगाई इन अफगानिस्तान, राइट। देन दीज एविडेंसेस ऑल्सो आर इंडिकेटिव, वेरी मच इंडिकेटिव दैट देयर वेयर पॉसिबली अ नंबर ऑफ कम्युनिटी, राइट, अमंग द सिविल सोसाइटी। सो हम ये भी कह सकते हैं अगर लोगों का काम अलग अलग होता है तो ये लोग शायद सोसाइटी में इंपॉर्टेंस भी डिफरेंट डिफरेंट लेते होंगे। और अगर इतना सारा कम्युनिटी है तो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए शायद एक महाराजा भी बैठे रहेंगे ना, कहाँ बैठे रहेंगे, सिटाडेल में बैठे रहेंगे। अब ये सिटाडेल में अगर बैठे रहेंगे तो वो तो कंट्रोल करेंगे, क्या कंट्रोल करेंगे कि फॉरेन इन्वेशन ना हो जाए, वो कंट्रोल करेंगे कि पूरा जो सिस्टम है वो ठीक ठाक से हो, और कुछ आपका इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन के लिए कुछ सिविल इंजीनियर भी होंगे जो पूरा टाउन को डिजाइन करेंगे, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन एज्यूम दैट देयर वेयर प्रोबेबली अ नंबर ऑफ कम्युनिटी, नंबर ऑफ जॉब्स एट दैट टाइम, सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास वेयर देयर, राइट। सो ऑल दीज क्लासेस इंक्लूड्स फार्मर, और टीचर, टीचर तो होना ही है ना, क्योंकि इतना सारा को ट्रेन कौन करेगा, टीचर होगा, राइट, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, इंजीनियर होगा, लेबरर होगा, राइट, आपका क्राफ्ट्समैन जरूर होना है, क्राफ्ट्समैन, राइट, तो क्राफ्ट्समैन भी होगा, तो ट्रेडर्स भी होगा, फार्मर्स होगा, ये सारा आपको कम्युनिटी शायद उस वक्त देखने को मिलता था। तो ये लोग जब मर जाते थे उसके बाद जब ब्यूरी होता था इन लोगों का, तो क्या एक तरह से होगा, क्या कहता है, एक तरह से तो नहीं होगा, अलग अलग टाइप से होगा, राइट। तो ये जो अलग 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 टाइप से आपका ब्यूरियल हो रहा है, यही एक सोशल डिफरेंस है। देखिए क्या लिखा हुआ है आपका एनसीईआरटी में, सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी, कुछ ग्रेव्स में आपको पॉटरी मिलेगा, मतलब द इंस्टांस ऑफ द पॉट्स, राइट, एंड ऑर्नामेंट्स, कुछ ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी भी मिलेगा, परहैप्स इंडिकेटिंग अ बिलीफ दैट दिस कुड बी यूज्ड इन द आफ्टर लाइफ, मतलब जो आफ्टर लाइफ मीथ इजिप्ट में आपका ये चलता था, शायद इधर भी चलता होगा, राइट। तो आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट, प्रोबेबली द आईबीसी पीपल बिलीव्ड इन द आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट। ये आफ्टर लाइफ क्या होता है, कुछ कम्युनिटी के पीपल मानते हैं कि आपका डेथ के बाद भी इंसानों एक अलग जिंदगी जीते हैं, और इस जिंदगी में उसको हर एक चीज जरूरत होता है जो वो जिंदगी से पहले यूज करते थे, राइट। जियोरी वॉज हैज बीन फाउंड इन ब्यूरियल्स बोथ मैन एंड वोमेन, तो आदमी और औरत दोनों के ही जो ब्यूरियल होता था वहाँ ज्वेलरी तो मिलता ही मिलता था। इनफैक्ट द एक्सकेवेशंस एट द सिमेट्री इन हरप्पा इन द मिड 1980s एन ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेल रिंग्स जेस्पर, जेस्पर क्या है, अ काइंड ऑफ स्मॉल प्रेशस स्टोन बीड एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स वॉज फाउंड नियर द स्कल ऑफ अ मेल। तो देखिए 1980s में आपको एक ब्यूरियल में क्या मिल रहा है, मिल रहा है कुछ सेल रिंग्स, राइट, कुछ सेल रिंग्स मिल रहा है, कुछ आपका पेसस स्टोन से बना हुआ बीड्स मिल रहा है, तो कुछ ऑर्नामेंट्स आपको मिल रहा है, और कुछ माइक्रो बीड्स भी मिल रहा है, 100 के क्वांटिटी माइक्रो बीड्स मिल रहा है। तो आप अगर थोड़ा अच्छे से देखें कि हंड्रेड्स ऑफ अगर माइक्रो बीड्स कहीं मिल रहा है, कहीं आपको जेस्पर मतलब पीसस स्टोन मिल रहा है और सेल रिंग मिल रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो इंसान है ये अपर क्लास से बिलोंग करता है, राइट। क्योंकि हर एक आपको ब्यूरियल में ये नहीं मिल रहा है, मिलेगा, और हंड्रेड ऑफ बीड्स जिसके पास हो उसके पास जरूर थोड़ा ज्यादा पैसा जरूर होगा, राइट। तो दिस इज व्हाट we can assume that there probably was a social difference, social class system. ये तो community के अंदर भी होता था, और आपका जो
डिफरेंट सेटलमेंट होता था, उन डिफरेंट सेटलमेंट में डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस भी होता था. सो डिफरेंस वॉज डेफिनेटली देयर अमांग द कल्चर्स, अमांग द सोसाइटी, राइट? ओके. बट ऑन द होल इट अपीयर्स दैट द हरप्पांस डिड नॉट बिलीव इन ब्यूरिंग पीसेस थिंग्स विद द डेड. तो बहुत ज्यादा कीमती चीज को तो ब्यूरी नहीं करते थे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कर देते थे. अब आ जाते हैं लग्जूरीज में. लग्जूरी में क्या क्या मिल रहा है देखते हैं. अनदर स्ट्रैटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स. जो आर्टिफैक्ट्स होते थे उनको अगर हम स्टडी करें तो डिफरेंस थोड़ा बहुत पता भी चलता है. व्हिच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासीफाई एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जूरियस. यूटिलिटेरियन एंड लग्जूरियस मतलब कुछ चीज तो आपका कॉमन यूज के लिए होता था और कुछ चीज होता था जो लग्जूरी के लिए होता था. आज भी अगर आप देखें तो टैक्स पड़ता है लग्जूरियस के अलग, और कुछ आपका जो नेसेसरी लाइबिलिटीज होता है उनके ऊपर अलग. तो कुछ लाइबिलिटीज होता है, कुछ आपका लग्जूरियस प्रोडक्ट्स होता है. द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज दैट व्हिच आई हैव कॉल्ड द लाइबिलिटीज, राइट, मेड ऑफ फेयरली इजिली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मैटेरियल सच एज स्टोन एंड क्ले. जो स्टोन क्ले से बना हुआ चीज होता है वो तो ऑर्डिनरी चीज होता था. फॉर एग्जाम्पल आपका पॉट्स, कंटेनर्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. दिस इंक्लूड क्वांस. क्वांस मीन्स जो ग्राइंडिंग, आपका ग्राइंडिंग मशीन होता है ना उसको क्वांस कहते हैं. पॉटरी मतलब क्ले से बना हुआ डिफरेंट पॉट्स एंड नीडल्स, फ्लेस रबर्स, जो आपका बॉडी स्क्रबर्स होता है ना जो क्लीन करने के लिए यूज करते हैं. तो ये कुछ चीज है जो नेसेसरी चीज है डेली यूज का, राइट? तो ये तो हर एक जगह मिल सकता है, लेकिन जो लग्जूरियस चीज ये अवेलेबल नहीं होगा शायद कॉमन पीपल के लिए, राइट? एंड आर यूजली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट. ये जो चीज है ये सेटलमेंट में हर जगह मिल रहा था, मतलब ये कॉमन पीपल के लिए अवेलेबल था. Archaeologists assume objects were luxurious if they are rare and made from costly non-local materials or with complicated technologies. Now, this line is very important. मैंने बार-बार कह दिया है आपको कि NCERT का हर एक लाइन बहुत significant है. तो आप देखिए, जो archaeologist है, ये rare products जो आपका non-local material से बनाया जाता था, उन चीजों को luxurious products नाम देते हैं, राइट? हर एक चीज लग्जूरियस नहीं हो सकता. अगर मैं कहूं कि एक क्ले पॉट बहुत लग्जूरियस है, दैट मींस डेफिनेटली द क्ले पॉट इज मेड विद सम रेयर प्रोडक्ट और इट इज नॉन अवेलेबल टू द कॉमन पीपल, राइट? और इट इज वन एलियन प्रोडक्ट दैट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द लोकालिटी. दिस लिटिल पॉट्स ऑफ फायंस अ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड एंड सिलिका मिक्सड विथ कलर एंड अ गम एंड देन फायर. मतलब एक पॉट होता था जिसे बनाया जाता था एक प्रोसेस के थ्रू, राइट? कुछ ग्राउंड सैंड उसके साथ सिलिका मिक्स करके कलर दे के गम दे के बनाया जाता था. और प्रोबली कंसिडर्ड पीसेस बिकॉज दे वेर डिफिकल्ट टू मेक. मतलब पॉट तो बहुत सारा होता. मैं अभी कह रहा था आपको कि अगर एक पॉट है वो अगर एक नॉर्मल क्ले पॉट है तो उसको हम रेयर नहीं करेंगे, कहेंगे लग्जूरियस नहीं कहेंगे. लेकिन अगर उसको बनाने में कुछ डिफिकल्टी आ रहा है, कुछ आपका बाहर का प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है, कुछ डिफिकल्ट प्रोसेस और टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है और वो बहुत रेयर हो जा रहा है, तो उसे हम लग्जूरियस जरूर कहेंगे. द सिचुएशन बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड दैट व्हाट सीम टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज सच एज स्पिंडल होल्स मेड ऑफ रेयर मटेरियल्स सच एज फायंस डू वी क्लासीफाई दिस एज यूटिलिटेरियन और लग्जूरियस. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसा हमें मिल चुका है जिसे हम कह सकते हैं कि ये शायद कॉमन पीपल को अवेलेबल नहीं होगा. और ये प्रोडक्ट्स कौन कौन सा है आप देख रहे हैं. कुछ जैसे कि आप देख रहे हैं एज स्पिंडल होल्स, राइट? If we study the distribution of such artifacts, we find that rare objects made of valuable materials are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa and are rarely found in the smaller settlements. मतलब जो luxurious आपका artifacts है, luxurious जो products है, जो rare objects है, right? वो हर जगह नहीं मिल रहा है. मतलब जो small settlement है उधर नहीं मिल रहा है.
कुछ बड़े बड़े सेटलमेंट जैसे हरप्पा एंड मोहनजोदाड़ो यहाँ पर मिल रहा, तो हम क्या कह सकते हैं? जो बड़े बड़े सेटलमेंट है शायद किंग्स और रूलर्स उधर रहते होंगे, और ये छोटे छोटे जो सेटलमेंट है उधर शायद कंट्रोल होगा और रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं, राइट? तो ज्यादा से ज्यादा रिच शायद वही जगह जो बड़ा सेटलमेंट होगा वहां पर ज्यादा रिच पीपल शायद बचत करेंगे, रहेंगे, राइट? देखते हैं उसके बाद क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मिनिएचर पॉट्स ऑफ फायंस एंड परहैप्स यूज्ड एज परफ्यूम बॉटल्स, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि परफ्यूम यूज होता था लेकिन हर कॉमनर्स यूज नहीं करते थे, ये शायद हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का कुछ अपर क्लास और रिच पीपल यूज करते थे। ऑलराइट, फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा एंड देयर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट लाइक कालीबांगन। कालीबांगन की तरह छोटे छोटे जो सेटलमेंट थे वहां पर हमें परफ्यूम का कोई इंस्टांस नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो मिल रहा है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में, राइट? गोल्ड टू वॉज रेयर, गोल्ड ऐसा नहीं था नहीं मिलता था, लेकिन गोल्ड वॉज रेयर मतलब बहुत ज्यादा नहीं मिलता था, कम मात्रा में मिलता था। एंड एज एट प्रेजेंट प्रोबली पीसेस ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हरप्पा साइट्स वॉज रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स, राइट? तो गोल्ड भी शायद उस वक्त बहुत रेयर था। ये होर्ड्स क्या होता है? ये होर्ड्स होता है आर ऑब्जेक्ट केप्ट केयरफुली बाई पीपल ऑफ एन इनसाइड कंटेनर सच एज पॉट। सच होर्ड्स कैन बी ऑफ ज्वेलरी ज्वेलरी और मेटल ऑब्जेक्ट सेव्ड फॉर रीयूज बाई मेटल वर्कर्स, मतलब जो बनाते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, राइट? ये रिच गोल्डन और द मेटल थिंग्स वो क्या करते हैं, एक जगह पे उन लोगों को स्टॉक करके रखते हैं एक पॉट के अंदर, राइट? तो उसे होर्ड किया कहा जाता है। इफ फॉर सम रीजन द ओरिजिनल ओनर डू नॉट रिट्राइव देम, दे रिमेन वेयर दे आर लेफ्ट टिल सम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड देम। अगर वो ओनर उसे नहीं निकालते हैं तो बहुत दिन बाद वो एक हिस्टोरिकल प्रोडक्ट बन जाता है जो आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर करते हैं। तो शायद ये जो आपका डिफरेंस हम आज पढ़ चुके हैं ब्यूरियल्स के बारे में और लग्जूरियस प्रोडक्ट्स के बारे में, जो हरप्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है, शायद आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे जाके हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है इसको थोड़ा सा हम आज देख लेते हैं क्या है ये क्राफ्ट जो आपका प्रोडक्शन है, राइट? क्या लोकली प्रोडक्ट किया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था और बाहर से मंगवाया जाता था। लोकेट चांगदारो एट मैप वन, चांगदारो जो हम मैप वन में देख सकते हैं, अगर हम जाए पैक करके देख लेते हैं चांगदारो किधर है। देखिए चांगदारो आपको दिख रहा है, चांगदारो किधर है, चांगदारो देखिए चांगदारो इधर, चांगदारो ये जो इंदास वैली का आप देख रहे हैं ट्रिब्यूटरी इधर चांगदारो, राइट? तो ये चानुदारो को लोकेट करने को कहा, हम लोकेट कर लिए, आ जाते हैं बैक करके। लोकेट चानुदारो ऑन मैप वन, दिस इज अ टाइनी सेटलमेंट लेस देन 7 हेक्टर, मतलब ये चानुदारो जो है ये 7 हेक्टर छोटा सा एक एरिया लेके बनाया गया है। एज कंपेयर टू मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो 125, मतलब कितना ज्यादा डिफरेंस देख रहे हैं, एक 7 एक 125 हेक्टर, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। जो ये आपका चानुदारो है, इस सेटलमेंट का काम था क्राफ्ट बनाने का। तो आपको यूपीएससी में सीएससी में क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा सेटलमेंट में आपको क्राफ्ट प्रोडक्शन ज्यादा मिलता होगा, तो आपको आंसर करता है दैट इज चानुदारो, राइट? इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, बीड बनाया जाता था इधर, सेल कटिंग, सेल को बनाया, सेल को कट करके सेल का आपका जो नेकलेस बनाया जाता होगा, राइट? डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी बनाया जाता होगा, मेटल वर्किंग, मेटल का डिफरेंट टाइप ऑफ पॉट्स एंड क्राफ्ट्स बनाया जाता था, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। तो कुछ प्रोडक्शन का काम कंप्लीटली द वर्क्स वर डेडिकेटेड टू चारोदर। द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। जो ये बीड्स आप बीड्स देख रहे हैं ना, ये बीड्स तो ये बीड बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता था वो बहुत सारे रेंज में आता था। क्या क्या है वो? स्टोन्स लाइक कार्नेलियन, कार्नेलियन नाम का एक रेड स्टोन यूज किया जाता था, जिस पर, ऑलराइट, क्रिस्टल यूज किया जाता था, क्वार्ट्ज
क्वार्ट्ज यूज किया जाता था और स्टेटाइट यूज किया जाता है। स्टेटाइट क्या होता है? स्टेटाइट जो सील बनाने के लिए भी यूज किया जाता था। ये स्टेटाइट कुछ नहीं है, एक सॉफ्ट स्टोन है जिसको इजीली आप काम कर सकते हैं जिसके ऊपर। मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड, कॉपर का भी बनाया जाता था, ब्रोंज का भी बनाया जाता था, और गोल्ड बहुत रेयर था, गोल्ड का भी बनाया जाता था। एंड सेल, ऑलराइट, फियांस एंड टेराकोटा और बर्नड क्ले, मतलब टेराकोटा और बर्नड क्ले का भी बनाया जाता था, मतलब गोल्ड से लेके क्ले तक हर एक चीज का बीड बनता था। सम बीड्स वर मेड ऑफ टू और मोर स्टोन्स, कुछ कुछ बीड बनाने के लिए दो और उससे भी ज्यादा स्टोन का यूज किया जाता था, राइट। सीमेंटेड टूगेदर सम ऑफ स्टोन विथ गोल्ड कैप्स, तो कुछ स्टोन के साथ गोल्ड का एक मोल्ड दे के बनाया जाता था ये बीड, मतलब दो चीज को भी यूज किया जाता था, मल्टीपल आपका जो देख रहे हैं आप मटेरियल्स है इसको भी यूज किया जाता था, मतलब एक यूनिटरी प्रोडक्शन नहीं होता था, ये बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे स्टोन्स एंड आपका जो मेटल है इसको यूज करके ये बीड्स को बनाया जाता था। द सेप वर न्यूमरस, सेप्स जो होता था ये बीड्स का तो बहुत सारा यूज किया जाता था क्योंकि आप देखने में अच्छा होना चाहिए ना, राइट। तो सम वर डेकोरेटेड बाई इंसीजिंग और पेंटिंग, कुछ को तो पेंट भी किया जाता था, एंड सम हैड डिजाइन्स एच्ड ऑन टू देम, कुछ में डिजाइन भी क्राफ्ट किया जाता था, मतलब आप देख रहे हैं कि एक टूल इधर दिया गया है और ये जो है ये बीड है, ओके। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मैटेरियल, अगर स्टोन यूज किया जाता है तो उसके लिए अलग मटेरियल, अगर अलग प्रोसेस यूज किया जाता था, और अगर आपका मेटल यूज किया जा रहा है तो उसके लिए भी अलग प्रोसेस रहता था। स्टेटाइट, स्टेटाइट मैंने बता दिया कि एक सॉफ्ट स्टोन होता था, ये बहुत इजीली क्राफ्ट किया जाता था। सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विथ स्टेटाइट पाउडर, कभी कभी क्या क्या होता था, स्टेटाइट को पाउडर बना के उसके ऊपर काम किया जाता था। This permitted making a variety of shapes. इससे क्या फायदा होता था, इससे बहुत सारा shapes हम design कर सकते थे उस वक्त। Unlike the geometrical form made out of the harder stones, जो harder stone से नहीं हो पाता था, right? वो हमें स्टेटाइट से हो जाता था। How the स्टेटाइट micro beads was made remains a puzzle for archaeologists studying एंशियंट टेक्नोलॉजी, मतलब ये कहने में जितना आसान है करने में तो है नहीं। तो हमारा जो मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट है वो तो बहुत पजल हो जाते हैं जब वो सोचते हैं कि कितना ज़्यादा वो एडवांस होंगे कि स्टेटाइट को पाउडर बना के उसके ऊपर सीमेंटिंग की तरह उसको डिफरेंट शेप देते थे, तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत एडवांस थिंकिंग अगर नहीं हो तो ये सब काम उस वक्त शायद नहीं हो पाता। Archaeologists experiments have revealed that the red color of the carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. ये जो red color आता था उसका, उसके लिए बहुत सारा stage follow किया जाता था, उसको आपको fire में देना पड़ता था, उसको dry करना पड़ता था, उसको mix करना पड़ता था different products के साथ। Alright, आ जाते हैं। If you locate Nageshwar and Balakot on map 1, you will notice that both settlement are near the coast, right? तो coast के सामने दो settlement हमें दिखता है, बहुत सारा दिखता है, उनमें से दो है Nageshwar and Balakot. These were specialized center, right? Particular centers for making sail objects. मतलब हम थोड़ी देर पहले क्या देख चुके हैं? थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं कि चानूदारो नाम का एक जगह था, ये चानूदारो जो जगह था उसको आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए डेडिकेटेडली बनाया जाता था, मतलब उधर सिर्फ आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग द बीड मेकिंग, सेल कटिंग और मेटल वर्क। और एक नाम हमें मिल रहा है इधर, नागेश्वर एंड बालाकोट, दो जगह, इन दो जगह में आपको क्या मिल रहा है, सेल ऑब्जेक्ट्स बनाने का काम इधर होता था, मतलब हम कह सकते हैं कि द सेटलमेंट, द आईबीसी सेटलमेंट वाज नॉट अ
separated kind of the fragmented settlement, but there was some uniformity or a controlling body who decided where to do what. मतलब कहाँ क्या करना है इसको decide कोई ना कोई तो करता ही होगा जरूर, क्योंकि चानूदारों में बनाना है crafts और नागेश्वर बालाकोट में बनाना है आपका ये sale objects, कौन decide करेगा? शायद king होगा, right? Chief होगा, कुछ तो होगा, including bangles, ladles and inlay. ये सारा चीज बैंगल्स हाथ में पहनते हैं ना, तो ये सारे चीज को बनाया जाता था सेल्स, विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो प्रोडक्शन होता था इसको दूसरे सेटलमेंट में भी लिया जाता था, ले जाया जाता था ट्रेडिंग के लिए, राइट. सिमिलरली इट इज लाइकली दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट सच एज बीज फ्रॉम चानूदारो एंड लोथल वर टेकन टू लार्ज अर्बन सेंटर्स सच एज मोहनजोदारो एंड हरप्पा. यहाँ पर बना के रखा नहीं जाता था, यहाँ पर बना के बड़े सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदारो एंड हरप्पा में लिया जाता था काम में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था. तो यहाँ पर क्या हम एज्यूम कर सकते हैं कि उस वक्त बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा? ट्रांसपोर्ट रोड अगर नहीं बनाया जाए तो कैसे एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट आप कोई चीज को ले जा सकते हैं, राइट. तो बहुत कुछ हम सीख चुके हैं जो पहला आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है. अब हम आ जाते हैं इसका जो दूसरा इस टॉपिक के ऊपर, आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन. कौन कौन सा सेंटर होगा जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आपको बनाया जाता होगा. In order to identify centers of the craft production, archaeologists usually look for the following. क्या क्या चीज है? Raw materials such as stone, nodules, whole shells and copper ore, tools, unfinished objects, rejects and waste material. तो कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसको देख के आर्क्योलॉजिस्ट समझे कि हाँ ये सेंटर हो सकता है कुछ प्रोडक्शन का. क्या क्या ऐसा चीज है देखते हैं. पहली बात तो ये रॉ मटेरियल्स, मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक होना चाहिए और रॉ मटेरियल उधर स्टॉक किया गया है, यूज किया गया है, इसका एविडेंस होना चाहिए. और होल सेल्स, जो सेल से डिफरेंट चीज बनाया जाता था, इस सेल को उधर मिलना चाहिए. कॉपर ओरे भी मिलना चाहिए, टूल्स, डिफरेंट टूल्स भी मिलना चाहिए जिससे प्रोडक्शन होगा, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स मिलना चाहिए, राइट. अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, कुछ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स भी मिलना चाहिए तो हम समझेंगे कि प्रोडक्शन तो इधर हो रहा था बीच में रुक गया. रिजेक्ट्स, जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो भी मिलना चाहिए. तो ये सारे चीज मिले हैं तो जाके आर्कियोलॉजिस्ट हमें डिक्लेयर करके बताते हैं टेक्स्ट बुक में कि ये जगह में प्रोडक्शन होता था सेल ऑब्जेक्ट्स का, राइट. फॉर इंस्टेंस, इफ सेल और स्टोन इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट्स, देन पीसेस ऑफ दीज मटेरियल्स विल बी डिस्कार्डेड एज वेस्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. अगर सोचिए कि आपका सेल से कुछ बन रहा है, आपका स्टोन से बीट्स बन रहा है, तो कुछ वेस्ट तो होगा ना. तो ये वेस्ट प्रोडक्ट अगर मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि इधर शायद बीट्स बनाया जा रहा था. समटाइम्स लार्ज वेस्ट पीसेस वर यूज टू मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. कभी कभी जो बड़ा वेस्ट, बड़ा प्रोडक्ट का वेस्ट, उससे छोटा छोटा प्रोडक्ट भी बनाया जाता था. बट माइनस्क्यूल बीट्स वर यूजली लेफ्ट इन द वर्क एरिया. लेकिन छोटा छोटा जो पीस होते थे उसको वो लोग फेंक देते थे, मतलब वेस्ट के रूप में मिल जाता था हमें एविडेंस के रूप में कि हाँ इधर प्रोडक्शन होता था ये कुछ चीजों का. दीज ट्रेसेस सजेस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम सेल, स्पेशलाइज सेंटर्स क्राफ्ट प्रोडक्शन वॉज ऑल्सो अंडरटेकन इन लार्ज सिटीज सच एज मोहनजोदारो एंड हरप्पा, राइट. तो ये जो हमें पता चलता है, राइट, कि कुछ कुछ जगह में कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड, कुछ कुछ स्पेशल थिंग बनाया जाता था और वो डेडिकेटेड जगह था वो चीज बनाने के लिए, इससे बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है. पहली बात जो मैंने कह दिया कि एक कंट्रोलिंग बॉडी होगा जो डिसाइड करता था कहां क्या बनाना चाहिए. दूसरा, ट्रेडिंग पर्पस शायद उधर होगा, क्योंकि अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है मतलब डिमांड है. इंटरनल डिमांड शायद होगा, एक्सटर्नल डिमांड भी शायद होगा. थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे आईबीसी पीपल ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ, इजिप्ट के साथ, और इंटरनल ट्रेड तो होता ही था. वेट, व्हाट द नेम वेट सेज दैट मेजरमेंट वाज देयर, राइट. सो ये ट्रेड अगर नहीं होता है तो वेट का क्या करें,
ये जो वेट मशीन, इसमें जो वेट का प्रोडक्शन होता था ये कुछ चीज को वेट करने मेजर करने के लिए होता था, मतलब ट्रेड होता था उस वक्त, राइट। तो और एक चीज, कम्युनिकेशन शायद उस वक्त बहुत अच्छा था। कम्युनिकेशन अगर ना हो पाए तो ट्रेड नहीं हो पाएगा, राइट। तो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज ऑल्सो डेवलप्ड एट दैट। तो बहुत कुछ हम एज्यूम कर सकते हैं, और ये एज्यूम करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा इस तरह से। जब हम आंसर लिखेंगे तो ये सारे चीज को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा आंसर। तो आज इतना ही, जो दूसरा लेक्चर होगा लेक्चर 6, मैं छोटा 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 करके लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यूपीएससी देते हैं, सीएससी देते हैं, तो आपको बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है, ये सोचने का तरीका आपको डेवलप करना है, राइट। तो ये 6th मॉड्यूल हम कल शुरू करेंगे। नेक्स्ट अब हमारा जो 6th लेक्चर होगा, राइट, वहां पर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स, और इसको हम पूरा कवर करेंगे। आज इतना ही। चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बने रहिए हमारा ये डिस्कशन में। थैंक यू सो मच। माय नेम इज आविल लम उपाध्याय। बाय बाय फॉर नाउ।